आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ श्रीखंड की रेसिपी। उसके लिए यहाँ पर मैंने 1 किलो के करीब दही ले लिया है और ये मलाई वाली दही है, इसमें काफ़ी ज़्यादा मलाई है। और चलते हैं आगे के प्रोसेस में। इसके बाद मैंने यहाँ पर एक बड़ा बोल ले लिया है, इसमें लगा रही हूँ मैं इस तरीके से एक छलनी, और इसके ऊपर लगाएंगे एक कपड़ा। तो ये मैंने यहाँ पर कपड़ा लगा दिया और पूरी दही जो हमने ली है इस कपड़े में डाल देंगे। तो यहाँ पर ये दही मैं डाल देती हूँ और यहाँ पर मैंने सारी की सारी दही इस कपड़े में डाल दी है। उसके बाद कपड़े को अच्छे से बांध देंगे। तो यहाँ पर कपड़े पे मैं एक रबड़ बैंड लगा देती हूँ। तो ये मैंने इस पे रबड़ बैंड लगा दिया है। इसके बाद इसका पानी हम इस तरीके से निकलने देंगे और इस पूरे बर्तन को छलनी के साथ हम फ्रिज में रखेंगे ताकि हमारी दही खट्टी ना हो। बाहर बिल्कुल भी नहीं रखना, 7 से 8 घंटे हम इसे फ्रिज में रखेंगे। इस बोल को फ्रिज में रख देती हूँ, उसके बाद इसे 7 से 8 घंटे बाद देखते हैं। साथ में इसका पानी हम ज़रूर निकालते जाएंगे जैसे जैसे ये भरता जाएगा, क्योंकि इसमें से अभी काफ़ी पानी निकलने वाला है। इस बात का ध्यान रखना है, नहीं तो छलनी तक पानी आ जाएगा और फिर से दही में पानी आ जाएगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैं इसे फ्रिज में रख देती हूँ और मिलते हैं 7 से 8 घंटे बाद। दही को रखे हुए 6 से 7 घंटे हो चुके हैं, मैंने इसे फ्रिज में ही रखा था और इसमें काफ़ी सारा पानी निकल गया है। तो 1 गिलास के करीब यहाँ पर ये पानी निकल गया है, तो पानी को हम किसी भी सब्जी बनाने में यूज़ कर लेंगे और इस बोल में से ये पानी निकाल देते हैं। यहाँ पर बोल में से मैंने पानी निकाल दिया है। दोबारा से छलनी को इसके ऊपर ऐसे ही रख देंगे और दोबारा से इसे हम फ्रिज में रख देंगे 6 से 7 घंटे के लिए। तो मैंने इसे सुबह रखा था और अभी मैंने चेक किया तो इतना सारा इसमें से पानी निकला है। दोबारा हम इसे रात भर के लिए रखेंगे और सुबह इसका श्रीखंड बनाएंगे। तो मैं इसे दोबारा से फ्रिज में रख देती हूँ। और यहाँ पर दही को रखे हुए मुझे 15-16 घंटे से भी ज़्यादा हो चुके हैं और काफ़ी सारा पानी इसमें से निकल गया है। ये देखिए 1 गिलास से ज़्यादा पानी दही में से निकला है। तो इस पानी को हम रखते हैं साइड में और इसकी हम कोई भी रेसिपी बना सकते हैं, किसी में भी यूज़ कर सकते हैं इसे, तो इसे फेंकना नहीं है। इसके बाद हम इसकी ये रबड़ हटा लेते हैं। और ये देखिए हमारी दही है बिल्कुल तैयार हो गई है, बहुत ही थिक सी दही यहाँ पर हमें मिल गई है। तो इसे निकालते हैं एक बोल में और यहाँ पर ले लिया है मैंने एक बड़ा सा बोल और इसमें ये दही ट्रांसफ़र कर लेते हैं। और यहाँ पर हमारी दही देखिए कितनी थिक हो गई है, बिल्कुल पनीर जैसी। इसका पूरा पानी निकल चुका है और अब इस दही को अच्छे से फेंटना है। चाहे तो विस्कर की हेल्प से भी इसे फेंट सकते हैं, तो इससे भी हम इसे फेंट सकते हैं। और फेंटने के बाद ये जो दही है हमारी बहुत ही हल्की हो जाएगी। थोड़ा सा ही मैंने फेंटा है लेकिन अभी ये मुझे फ्लफी सी नज़र आ रही है। यहाँ पर मैंने दही को 5 से 7 मिनट अच्छे से फेंटा है और ये देखिए बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर में आ गई हमारी दही और थोड़ी शाइन भी कर रही है। जैसे केक के लिए हम क्रीम तैयार करते हैं बिल्कुल वैसे ही इसे तैयार करना है, तो इस तरीके की दही हो जानी चाहिए। इसके बाद इसमें डालेंगे पिसी हुई चीनी, तो 4 से 5 टेबलस्पून के करीब इसमें मैं डाल रही हूँ पिसी हुई चीनी। तो यहाँ पर चीनी आप अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने ये 5 टेबलस्पून इसमें चीनी डाल दी। चीनी डालने के बाद इसे हम दोबारा से अच्छे से मिक्स करेंगे 2-3 मिनट। यहाँ पर मैंने चीनी को अच्छे से मिक्स कर दिया है और ये हमारा श्रीखंड जो है तैयार हो गया है। यहाँ पर आप चाहें तो इलायची का पाउडर इसमें मिला सकते हैं या फिर केसर वाला दूध मिला सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने गुनगुने दूध में केसर के कुछ धागे रखे थे डाल के, तो ये इसमें डाल देती हूँ मैं। थोड़ा सा रखेंगे गार्निशिंग के लिए, मिला देते हैं। और ये हमारा केसर के फ्लेवर वाला श्रीखंड बन गया है, करते हैं इसे सर्व। आप चाहें तो इसमें ड्राई फ्रूट वगैरह भी कट करके ऐड कर सकते हैं।
और यहाँ पर मैंने इसे सर्व कर लिया है, तो दो छोटे छोटे बोल में भी सर्व किया है। इसके साथ ही हम इसके ऊपर डाल देते हैं केसर वाला दूध, इसके साथ ही इसे गार्निश कर देते हैं गुलाब की एक पत्ती से। लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी श्रीखंड बनके तैयार है। तो इस तरीके से आप श्रीखंड जरूर ट्राई करें। और यहाँ पर जब मैंने इसमें चीनी फेंटी थी, चीनी फेंटने के बाद आप इसे फ्रिज में रख सकते हैं आधे घंटे के लिए, इसे ठंडी हो जाए और खाने में बहुत ही मज़ा है। तो फ्रिज में रखने के बाद ही इसे सर्व करें, या फिर इस तरीके से आप इसे गार्निश कर लें और फ्रिज में इस तरीके से बोल ही रख दें, ताकि जब इसे सर्व करना हो तो फटाफट आप निकाल के इसे सर्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप ये होली में बहुत ही ठंडी ठंडी सी रेसिपी ज़रूर बनाएं, और अच्छा लगने पर फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर करें। कमेंट करके शेयर करें कि रेसिपी आपको कैसी लगी। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ नई वीडियो में। धन्यवाद।